सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, इजी वे में। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीके से आप ये पोटैटो ब्रेड रोल बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा है। मैं आपको कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जब आप इसे बना कर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए ये किस तरह बना है आपको बताते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें फ्रेंड्स, हमने एक पैन रखा हुआ है, उसमें 1 टेबल स्पून तेल डाले हुए हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1 पिंच हींग डालेंगे। इसे एक बार चला लेते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज महीन कटी हुई प्याज है और 2 हरी मिर्च है जिसको हमने बहुत ही महीन बारीक काटा हुआ है, इसको डाल देते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक काटा है हमने, इसको भी इसी के साथ फ्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ डाल देंगे ये 2 मीडियम साइज गाजर है बारीक कटी हुई, इसको भी डाल देंगे ताकि प्याज के साथ फ्राई करते करते सारी चीजें सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से फ्राई किया है, ये सॉफ्ट हो गए हैं। और इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ये भी है, स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये काली मिर्च पाउडर है 1/4, ये हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये चाट मसाला है 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। इन सबको डालकर मसालों को भी स्लो आंच में इसको भून लेते हैं अच्छे से। स्लो फ्लेम में भूनिएगा क्योंकि ये जलने का डर रहता है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और ये देखिए मसालों को भी हमने भून लिया। और इसके बाद ये हमने 2 बड़े साइज आलू है जिसे हमने बॉईल करके मैश कर लिया था, इसे इसमें डालकर अब मिक्स करेंगे। आलूओं को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती और पुदीने के पत्ते डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ब्रेड ले लेना है और इसकी किनारे को जो ब्राउन पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। ये देखें इस तरह से इसका व्हाइट पार्ट अलग कर लेना है और ब्राउन पार्ट अलग। इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका ब्राउन पार्ट निकाल लिया है और ये देखें इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद इसका ब्रेड क्रम्स बन जाता है बहुत अच्छा। और अब इसे साइड में कर देते हैं और एक एक करके पतली शीट नुमा हमें इसको बेल कर बनाना है। इस तरह से ये देखें इतनी पतली शीट हमें सभी ब्रेड को बेलकर बना लेना है। इसको साइड देखें, सभी ब्रेड को बेलकर हमने शीट बना ली है सभी ब्रेड की। अब आइए चलिए इसकी फिलिंग भरते हैं। देखें एक शीट इस तरह से लेकर किनारे हमें सबसे पहले पानी लगा लेना है इस तरह से, ताकि चिपकाने में हमें दिक्कत ना हो। और इसमें हम रखेंगे अपनी जो हमने सब्जी बनाई थी उसको, बहुत ज़्यादा ना भरना है ना बहुत कम भरना है, इतना ज़्यादा नहीं भरना है कि ब्रेड हमारा फट जाए। और इसे आराम से उठाते हुए गोला बनाते हुए इस तरह से रोल रोल करते हुए इसको इस तरह से
कर लेना है। और ये जो पानी लगा है इसको ऐसे करके दबा देंगे तो ये आसानी से चिपक जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक रोल बनकर हमारा तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह हम दूसरे को भी बनाएंगे। बेसन ले लेना है, उसमें हमने डाला है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 चिली फ्लेक्स, स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और ये काली मिर्च पाउडर है 2 पिंच डाला है, 2 पिंच डाला है हमने, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक बार में नहीं डालिएगा, इतना पतला बनाना है कि हमारे ब्रेड पर कोटिंग आ जाए, बहुत ज्यादा मोटा कोटिंग नहीं लगाना है। और ये देखें इस तरह का चाहिए, ये इस तरह से, बस अब ये तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। ये देखिए मीडियम आंच पे इसको फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं, वरना ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से बढ़िया फ्राई नहीं होगा। और ये देखिए जो बेसन का घोल हमने तैयार किया है उसमें इस तरह से ब्रेड को डिप करके अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, ये देखिए, और एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। और इसे अभी तुरंत नहीं छूना है वरना ये टूट जाएगा, जब ये गोल्डन ब्राउन नीचे से हो जाएगा तब इसको हम पलट कर ऊपर से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए नीचे से ब्राउन अच्छे से सेक गया है, फ्राई हो गया है, अब इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए अच्छे से दोनों तरफ से ये सेक गए हैं, फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें एक एक करके हम निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे निकालिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो टिश्यू पेपर पे आ जाए। और ये देखें इस तरह से हमने निकाल लिया है टिश्यू पेपर पे। देखिए अब इसी तरह हम दूसरे बैच को भी फ्राई करेंगे। बनकर तैयार है, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना बढ़िया क्रिस्पी बना हुआ है और कोई झंझट नहीं है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है, ना ही आपको मैदे की लेई बनानी है, ना ही मैदे का घोल बनाना है, ना ही ब्रेड क्रम्स बनाना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करा करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए एक मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें कितना टेस्टी और कितना बढ़िया दिख रहा है। आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे बड़ों सबको, घर वाले को भी बहुत पसंद आएगा, घर वाले खुश हो जाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। We'll be right back.
बाय।